कोलकाता वेस्ट बंगाल में जन्मी मंदिरा बेदी 1994 में दूरदर्शन के बेहद फेमस शो शांति में नजर आई थी। ये उनका डेब्यू सीरियल था और इसी से मंदिरा को पहचान मिली। शांति से फेम पा चुकी मंदिरा बेदी ने फिर औरत और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इंडियन आइडल, फेम गुरुकुल, डील या नो डील जैसे कई सीरियल्स किए। छोटे पर्दे पर पहचान हासिल कर मंदिरा बड़े पर्दे की ओर मुड़ी और अपनी डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर की। ये बात 1995 की है। इस सब के बीच 1996 में मंदिरा एक शो के लिए ऑडिशन देने गई, जहां वो पहली बार अपने पति राज कौशल से मिली। मंदिरा और राज की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर मंदिरा और राज कौशल ने एक दूसरे के संग जीवन बिताने का फैसला कर लिया और बन गए 1999 में शादी के बंधन में। एक्टिंग में कमाल दिखाने के बाद मंदिरा होस्टिंग की ओर बढ़ी। साल 2003 से 2007 के ICC वर्ल्ड कप, 2004 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2006 में सोनी मैक्स के लिए IPL 2 की होस्टिंग मंदिरा ने की। पहली महिला स्पोर्ट्स एंकर होने के साथ ही मंदिरा अपने फैशन, अपने कपड़ों को लेकर भी लाइमलाइट में रही। हालांकि यही फैशन उन्हें ट्रोल्स के निशाने पर भी ले आया। होस्टिंग के बीच अपने साथ हुए बर्ताव को अवॉइड कर मंदिरा आगे बढ़ती रही। मंदिरा को कपड़ों से शो में ग्लैमर का अधिक तड़का लगाने को लेकर अक्यूज किया गया। लोग नहीं चाहते थे कि वो शो होस्ट करे। 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के समय भी मंदिरा की साड़ी को लेकर बवाल खड़ा हो गया था। साड़ी में सभी टीमों के झंडे लगे थे, इंडिया का झंडा सबसे नीचे था। बाद में मंदिरा ने इसके लिए माफी मांगी। उधर शादी के 12 साल बाद मंदिरा ने बेटे को जन्म दिया और बाद में बेटी को गोद लेकर फैमिली कंप्लीट की। सब कुछ अच्छा था पर फिर मंदिरा की लाइफ ने एक दर्द भरा मोड़ लिया। शादी के 22 साल में मंदिरा के पति राज कौशल ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिससे मंदिरा लगभग पूरी तरह बिखर गई। हर चैलेंज से लड़ने वाली मंदिरा लेकिन बच्चों के खातिर फिर खड़ी हुई। वो कहती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए जिंदा है और उनके लिए अब माँ भी पिता ही है। इंडस्ट्री में अपने 22 साल के लंबे करियर में मंदिरा ने 13 फिल्में की, जिसमें 2 तमिल भाषा की फिल्में भी शामिल थी। फिट, हॉट, सिजलिंग एंड स्ट्रॉन्ग मंदिरा बेदी एक रोल मॉडल के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।